जंग ऑडिटोरियम में साउथ जोन पुलिस के तरफ से पिछले 3 महीने से एक एक्सरसाइज हो रहा था, जिसके तहत लगभग 31 राउडी शीटर्स, जिनका रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों से बेदाग है, बिल्कुल बिना किसी शिकायत का है, उन लोगों को एक नया मौका दिया गया, उनका राउडी शीट बंद किया गया है। मुझे यकीन है कि जो जिस भरोसे के साथ उनका राउडी शीट बंद किया गया, उस भरोसे का वो कद्र करेंगे। जिंदगी में गलतियां बहुत लोगों से होती हैं, कुछ गलतियां छोटी होती हैं, कुछ गलतियां बड़ी होती हैं, कुछ गलतियों को क्राइम भी कहा जाता है, लेकिन कानून के तहत एक बार जो क्राइम किया उसको जिंदगी भर के लिए सजा मिलती रहे, ये मुनासिब नहीं है। और इसीलिए हमारे स्पेशल ब्रांच के तरफ से, टास्क फोर्स के तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से पूरे वेरिफिकेशन करने के बाद इन 31 लोगों को एक नया मौका दिया गया कि मेहनत करके सही और सच्चे रास्ते पर चल के अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, एक ऐसा इंसान बनाएं जिन्हें देखकर लोगों को फक्र हो, उनकी अच्छाई पर लोगों को लगे कि हाँ, ये हमारे सोसाइटी के अच्छे इंसान हैं, और कड़ी मेहनत करके रोजी रोटी अपना चलाएं। जैसा कि आप जानते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट ये दोनों साथ चलनी चाहिए। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पनिशमेंट भी तुरंत मिलना चाहिए। तो ऐसे मौके पे मैं सभी को वार्निंग भी देता हूं कि अगर कोई क्राइम करेंगे, राउडिज्म का काम करेंगे, तो बिना किसी देरी के उनको अरेस्ट करके चंचलगुड़ा जेल भी हम भेज सकते हैं। ऐसे मौके पे साउथ जोन के सभी पुलिस ऑफिसर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों पर निगाह रखें, और जिस तरीके से आज 31 मेंबर्स को हम लोग सोसाइटी में एक नया लाइफ दिए, उसी तरीके से बाकी लोगों को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। और इस तरह का एक्सरसाइज हम लोग दूसरे जोन्स में भी, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन हो चुका है, सेंट्रल और नॉर्थ जोन में भी करेंगे। और ख़ास करके जो नए लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि एक बार अगर आपके खिलाफ राउडी शीट खुल गया तो आपको न तो नौकरी मिलेगी, न तो आपको पासपोर्ट मिलेगा, न तो कहीं जाने का वीज़ा मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिलेगी, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद आपकी शादी भी नहीं होगी।